आज हमारे पास एस एम यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड उसकी एक्सरसाइज 10.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। इसका जो वाई सी है वो तो आप लोग को फाइंड करना आता ही है, वो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ c1 + c2 e की पावर 2x, क्योंकि इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास 2 आएंगे, 2 टाइम 2 आएगा, तो हम उसे जब रिपीट हो रहे हैं तो c1 + c2 x भी आएगा, जितनी टाइम रिपीट हो रही उतनी पर x की पावर तक जाते हैं, 2 टाइम रिपीट हो रहे तो x की पावर 1 तक गया, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट साथ मिलकर, ठीक हो गया। ये हमारे पास वाई सी आ गया। अब वाई पी के लिए हम क्या करेंगे, वाई पी हमने कैसे सेलेक्ट करना है, वाई पी इक्वल, ये हम अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हम बाद में साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते, तो इसके अलावा हमारे पास इसके साथ क्या है, 1, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है। जब एक कांस्टेंट टर्म आ जाए तो हम क्या लिखते थे, ए एक्स की पावर के लिख दिया, कांस्टेंट टर्म आ जाए तो ये लिख देते हैं, तो मतलब 1 तो हो गया सॉल्व। अब बाकी आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसे हम एस टी साथ में लिख देते हैं, ई की पावर 2x, ठीक हो गया। अब हमने डिसाइड करना है के क्या लेना है, पुट के इक्वल, अगर हम लेते हैं 0 तो ये हो जाता है ए की पावर 2x, ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, अगर के की जगह हम लिखे 1 तो ए मतलब x की पावर 1 आ जाएगी, तो x e की पावर 2x, x e की पावर 2x ये भी टर्म यहाँ पे मौजूद है। अगर हमने अब k की जगह 2 तो ये बन जाए x स्केयर e की पावर 2x, x स्केयर e की पावर 2x वाली टर्म yc में मौजूद नहीं है, तो हम ये k इक्वल 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास y भी क्या बन जाएगा फिर, a x स्केयर e की पावर 2x। यहाँ कितने डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव तक, तो उसके 2 डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर के रिस्पेक्ट, एक्स स्केयर का करेंगे पहले, अगर 2 ए एक्स ई की पावर 2x प्लस, अब इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ए एक्स स्केयर ई की पावर 2x, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, 2 × 2 = 4 ए एक्स ई की पावर 2x प्लस, अब इसका लेंगे 2 ए ई की पावर 2x प्लस, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 ए एक्स ई की पावर 2x प्लस, अब इसका करेंगे 4 ए एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, ठीक हो गया। अब इसको पुट कर देंगे हम किस में, क्वेश्चन में, ठीक हो गया, पुट इन इक्वेशन 1। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में, तो हम ये सारी वैल्यू लिखेंगे, 4 ए एक्स ई की पावर 2x, 4 ए एक्स ई की पावर 2x, ये 2 टाइम है तो 4 और 4 बन गया 8, 2 ए ई की पावर एक्स e की पावर 2x और साथ में प्लस 4 ए एक्स स्क्वायर e की पावर 2x आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद माइनस 4 फर्स्ट डेरिवेटिव को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4 × 8 और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8 ए एक्स e की पावर 2x माइनस 8 ए एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, ठीक हो गया। उसके बाद y को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाई पी जो है इसे 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये आ जाएगा प्लस 4 ए एक्स स्क्वायर e की पावर 2x इक्वल e की पावर 2x, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है ए एक्स और ए एक्स ये भी है, ये दोनों आपस में कटिंग, और 8 ए एक्स ई की पावर एक्स माइनस 8 ए के एक्स ये इसे कटिंग हो गया, 2 ए मतलब ए ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स वाला और नहीं है, ये 4 और 4 8 ए एक्स के ई की पावर एक्स और ये भी 8 ए ई की पावर एक्स के एक्स ये भी कटिंग हो गया, हमारे पास रह गया 2 ए ई की पावर 2x इक्वल ई की पावर 2x के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये हमारे पास 2a इक्वल 1, तो a इक्वल आ गया 1/2 के, ठीक हो गया। इसे पुट कर देते हैं हम इसमें, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो yp आ जाएगा, a की जगह लिख देंगे 1/2 और साथ में ये x के e की पावर 2x वैसे आ जाएगा, x स्क्वायर e की पावर 2x वैसे आ गया। अब y कैसे आएगा, yc प्लस yp, वाई सी क्या आया था, c1 + c2x e की पावर 2x था प्लस वाई पी, ये अभी हमने फाइंड किया है 1/2 x² e की पावर 2x, ये हमारे पास y आ गया, ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका वाई सी जो हमारे पास आएगा वो आएगा e की पावर माइनस x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 2x और साथ में c1 c2, ठीक हो गया।
अब वाई पी के लिए क्या करेंगे हम, कैसे लेंगे? अब देखिए इसमें साइन और कोज आ रहा है, उसमें साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब एक किस्म का ये कॉन्स्टेंट ही है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हमारे पास आएगा ए कॉज टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स, और साथ में जब कांस्टेंट होगा टर्म तो हम क्या, फॉर एग्जांपल साइन और कॉस को छोड़ें तो मतलब इनकी ये कांस्टेंट टर्म है, अगर हम साइन और कॉस को ख़त्म करें तो कांस्टेंट टर्म आती है। कांस्टेंट टर्म है तो हम लिखते हैं ए एक्स की पावर के लिखते हैं, हमने लिखा ए एक्स की पावर के, ठीक हो गया। इतना देखें ए एक्स की पावर के लिख लिया, अब यहाँ क्या था साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स यूज़ हो रहा था, हमने साइन टू एक्स लिख लिया और कॉस टू एक्स लिख लिया इसी के साथ, ए एक्स की पावर के और दूसरा बी एक्स की पावर के आता है, एक्स की पावर के दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब अगर आप पुट करेंगे के इक्वल ज़ीरो, के इक्वल ज़ीरो पुट करेंगे कॉस टू एक्स साइन टू एक्स आएगा, तो वो इधर मौजूद नहीं क्योंकि उनके साथ की पावर एक्स माइनस एक्स है ना, तो इसलिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ये हमारे पास आ गया, अब हमने ये करना है इसमें पुट करेंगे तो वाई पी हमारे पास आएगा ए कॉस टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स, ठीक हो गया। आगे हम करते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव तक, ये मैंने वाई पी यहाँ पे अगेन लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस टू ए साइन टू एक्स प्लस टू बी कॉस टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस फोर ए कॉस टू एक्स माइनस फोर बी साइन टू एक्स, ठीक हो गया। अब हमने इसे पुट करना है क्वेश्चन में, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव को टू से मल्टीप्लाई करना है, वाई को फाइव से, टू के साथ और फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे हम पुट इन वन इक्वेशन वन, क्वेश्चन को वन इक्वेशन कह रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब माइनस फोर ए कॉस टू एक्स माइनस फोर बी साइन टू एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने टू से मल्टीप्लाई करके लिखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर ए साइन टू एक्स प्लस फोर बी कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमने वाई को फाइव से मल्टीप्लाई करके लिखना है, वाई ये है फाइव ए कॉस टू एक्स प्लस फाइव बी साइन टू एक्स, ठीक हो गया। ये हमने इसे लिख दिया इक्वल सिक्स साइन टू एक्स प्लस सेवन कॉस टू एक्स, सिक्स साइन टू एक्स इक्वल सिक्स साइन टू एक्स प्लस सेवन कॉस टू एक्स, सेवन कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। फोर ए सॉरी ए कॉस टू एक्स है कोई यहाँ पे, ए कॉस टू एक्स, ए कॉस टू एक्स सी है, ये दोनों ए, ये तीनों है, ये बी है सॉरी, ए कॉस टू एक्स ये फाइव में से वन फोर माइनस की वन, मतलब ये वाला और ये वाला सॉल्व हो गया, ए कॉस टू एक्स बन गया, ठीक हो गया। अब ए साइन टू एक्स, ये हमारे पास ए साइन टू एक्स सिर्फ एक ही है, ठीक हो गया, ये वैसे लिख दिया माइनस फोर ए साइन टू एक्स, ठीक हो गया। अब अब हम लेंगे बी साइन टू एक्स, एक ये है एक ये है, फाइव में से फोर माइनस किए प्लस बी साइन टू एक्स, अब कॉस एक्स बी कॉस यही है, बी का कॉस सिर्फ एक ही है प्लस फोर बी कॉस टू एक्स, और ये इक्वल सिक्स साइन टू एक्स प्लस सेवन कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, कॉस टू एक्स वाले को पहले कॉस एक्स कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग कॉस टू एक्स वाले को, कॉस टू एक्स किधर है हमारे पास, ये ए और कॉस टू एक्स कॉस कॉस टू एक्स प्लस फोर बी इक्वल सेवन, ठीक हो गया। अब साइन टू एक्स, साइन टू एक्स हमारे पास ये है माइनस फोर ए साइन टू एक्स प्लस बी और इक्वल सिक्स, ठीक हो गया। इसे उधर ले जाए, ए इक्वल आ जाएगा सेवन माइनस फोर बी, इसे पुट कर देते इसमें, पुट ए इक्वल सेवन माइनस फोर बी, माइनस फोर ए की जगह आ जाएगा सेवन माइनस फोर बी प्लस बी इक्वल सिक्स, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट प्लस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन बी प्लस बी इक्वल सिक्स, ये ट्वेंटी दो जाके प्लस हो जाएगा सिक्सटीन वन सेवनटीन बी इक्वल सिक्स प्लस ट्वेंटी एट,
सेवनटीन बी इक्वल सिक्स में 28 हम जो ऐड करेंगे, 34 बी इक्वल 34 ओवर 17, ठीक हो गया। 34 डिवाइड 17 करेंगे तो हमारे पास आता है 2, तो बी आ गया 2। पुट बी इक्वल टू, इसमें बी इक्वल टू पुट करेंगे, ए इक्वल 7 माइनस 4 2, सार 4 2 8 माइनस 7, तो ये हमारे पास ए इक्वल आ गया माइनस 1, ठीक होगा। इसे हम 1 में पुट कर देंगे, 2 में, सॉरी वाई पी में पुट करते थे ना, 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2, ए कॉस 2x बी साइन 2x, ए माइनस 1 है, माइनस कॉस 2x प्लस बी था, बी 2 है साइन 2x, साइन 2x ये आ गया हमारे पास वाई पी। तो y किसकी इक्वल होता है, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी हमारे पास क्या था, e की पावर माइनस है सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x, e की पावर माइनस x सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x प्लस 2 साइन 2x माइनस कॉस 2x, ये हमारे पास y आ गया, ठीक हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका yc हमारे पास आएगा, यानी कि इसके रूट्स हमारे पास माइनस और माइनस 1 और 2 आएंगे। तो yc हमारे पास बन जाएगा c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर माइनस 1 ओवर 2x, या माइनस x ओवर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है yp। yp हमारे पास किस तरह, दो तरह की इसमें दी, इसमें x के दिया और एक ये प्लस 3 sin x दिया हुआ, दो तरह से yp बनेगा। यहाँ हम लिखते हैं yp इक्वल आएगा हमारे पास, अगर ये हो x स्क्वायर, x स्क्वायर दे दिया गया है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x के इंटू a x की पावर 2, x स्क्वायर थी ना तो पावर 2 से स्टार्ट हो गई, प्लस b x की पावर 1 प्लस c x की पावर 0 स्टॉप हो गया। मतलब yp हमारे पास आ गया x के a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c आ गया, ठीक हो गया। अब इसका ये भी डिसाइड कर लेते हमने वहाँ कहाँ से लेना है। अब देखिए अगर हम k रखते हैं 0 तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बनेगा। इसमें तो ऐसा कुछ ही नहीं, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो मतलब हम रख सकते हैं पुट k इक्वल 0। तो y p हमारे पास आ गया a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, इसे कह दें इक्वेशन 1। और ये अब दूसरा साइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, साइन को अगर हटा दें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म बन जाती है ना वाई पी। दूसरा वाई पी हमारे पास क्या बनेगा, ए भी यूज़ हो गया, हम लिखेंगे सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और साथ में आ जाएगा हमारे पास एक्स के, ठीक हो गया। हम इसमें पुट कर देंगे के इक्वल 0, तो वाई पी जो है वो हमारे पास आ जाएगा सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, क्योंकि 0 1 बन जाएगा। 0 हम क्यों रख रहे हैं, 0 पुट करने से सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स बन रहा है, तो यहाँ साइन और कॉस वाला भी कोई मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 के लिए करें, इक्वेशन 1 को इम्प्लास सेट करें, वाई पी इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। इसमें सेकंड डेरिवेटिव तो रखता है, मतलब इसके हमने दो डेरिवेटिव लेने, पहला डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ए एक्स प्लस बी, दूसरा डेरिवेटिव लेंगे 2 ए आ जाएगा, ये एक्स का 1 और ये कांस्टेंट 0। अब हमने इक्वेशन ये आ गई, इसे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ए में, सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इक्वेशन ए में सिर्फ इतना, ठीक हो गया, सिर्फ इतने में, इस चीज़ में इसको ब्रेक कर लेते हैं, इक्वेशन हम ए बी बना लेते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये बन जाएगी 2 वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 3 वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल एक्स के, और दूसरी इक्वेशन में ये आ जाएगा 2 वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 3 वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल 3 साइन एक्स, इसे इक्वेशन ए कह दें,
इसे इक्वेशन बी कह लें। ठीक हो गया, अभी इक्वेशन ए में पुट करें, टू सेकंड सेकंड डेरिवेटिव टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव थ्री से, और वाई जो है वो वैसे ही आएगा। सेकंड डेरिवेटिव को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा फोर ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने थ्री से मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री टू जै सिक्स ए एक्स प्लस थ्री बी, फिर उसके बाद हमने वाई को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना था, वैसे लिख देना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर था। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स पावर जीरो एक्स पावर वन। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशेंट जहाँ पे है ए इक्वल्स वन। ठीक हो गया, अब एक्स वाला सिक्स है प्लस बी इक्वल ज़ीरो, ए की वैल्यू वन थी, सिक्स प्लस बी इक्वल ज़ीरो, तो बी इक्वल आ गया माइनस सिक्स के। ठीक हो गया, अब एक्स की पावर ज़ीरो मतलब कॉन्स्टेंट हम फोर ए थ्री बी प्लस सी इक्वल ज़ीरो, फोर ए की वैल्यू वन प्लस थ्री बी की वैल्यू माइनस सिक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, सी इक्वल माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाए, सिक्स थ्री ज़ार एटीन, एटीन में से फोर माइनस किए तो फोर्टीन, ये सी आ गया। पुट इन इक्वेशन वन, इसमें पुट करेंगे, इस वाली को सॉल्व किया था ना, ए की जगह हम पुट कर देंगे वन, बी की जगह माइनस सिक्स और सी की जगह फोर्टीन, तो वाई भी हमारे पास आ जाएगा, ए की जगह वन आया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के, बी एक्स लिखना था और बी की जगह माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स एक्स, सी लिखना था, सी की जगह फोर्टीन है, प्लस फोर्टीन आ गया। ठीक हो गया, जे एक वाई पी आ गया, अब हमने एक और वाई पी फाइंड करना है जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू के, इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन टू हमारे पास है वाई पी इक्वल सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स। ठीक हो गया, इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आ जाएगा साइन का, आ जाएगा कॉज एक्स माइनस डी साइन एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा माइनस सी साइन एक्स माइनस डी कॉज एक्स। ठीक हो गया, अब हमने पुट करना है बी में, टू सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस टू, इसको टू से मल्टीप्लाई करके टू सी साइन एक्स माइनस टू डी कॉज एक्स। ठीक हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को थ्री से मल्टीप्लाई करके इसे लिखेंगे प्लस थ्री सी कॉज एक्स माइनस थ्री डी साइन एक्स, और प्लस फर्स्ट वाई लिखेंगे प्लस सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स इक्वल थ्री साइन एक्स, सी साइन एक्स ये है हमारे पास, सी साइन एक्स ये है, टू में से वन माइनस किए माइनस सी साइन एक्स, सी कोज एक्स थ्री सी कोज एक्स, कोज एक्स और सी में नहीं है। ठीक हो गया, प्लस थ्री सी कोज एक्स, अब डी साइन एक्स, डी साइन एक्स सी है, एक ही है डी साइन एक्स, तो माइनस थ्री डी साइन एक्स डी कोज एक्स ये है और ये टू में से वन माइनस किए माइनस डी कोज एक्स इक्वल थ्री साइन एक्स आ गया। ठीक हो गया, अब हम कंपेयरिंग करेंगे दी कोफिशेंट्स ऑफ कोज एक्स साइन एक्स। ठीक हो गया, कोज एक्स क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे कोज एक्स है थ्री सी माइनस डी इक्वल ज़ीरो। ठीक हो गया, अब साइन एक्स माइनस सी माइनस थ्री डी इक्वल थ्री, ये दिए गए। ठीक हो गया, यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी थ्री सी, इसे पुट कर देंगे, पुट डी इक्वल थ्री सी माइनस थ्री, डी की जगह लिखेंगे थ्री सी इक्वल थ्री, माइनस सी माइनस नाइन सी इक्वल थ्री, ये आ जाएगा माइनस टेन सी इक्वल थ्री, तो सी इक्वल आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टेन, ये सी की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, पुट सी इक्वल माइनस थ्री ओवर टेन, तो डी आ जाएगा माइनस नाइन ओवर टेन, थ्री थ्री से नाइन ओवर टेन। ठीक हो गया, सी डी की वैल्यू चाहिए थी हमें और सी डी की वैल्यू आ गई है, ये हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन टू,
इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू क्या थी हमारे पास, ये वाली सी की जगह आ जाएगा माइनस थ्री ओवर, ये इधर वो इक्वेशन टू है, सी की जगह हम लिखेंगे माइनस थ्री ओवर टेन, माइनस थ्री ओवर टेन साथ में साइन एक्स, माइनस डी की वैल्यू नाइन ओवर टेन थी साथ में कॉस एक्स, ठीक हो गया। ये वाई पी आ गया, ये दो वाई पी आ गए, तो वाई पी हमारे पास एग्जैक्ट क्या बना, दोनों को ऐड करके लिखेंगे एक्स केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन, अब इसमें ये ऐड करेंगे माइनस थ्री ओवर टेन साइन एक्स माइनस नाइन ओवर टेन कॉस एक्स, ठीक हो गया। अब हमने लिखना वाई, वो इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी हमारे पास क्या आया था, ये वाला, ये वाई सी है, सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू प्लस वाई पी, ये वाला सारा लिखना है हमने, एक्स केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन माइनस थ्री ओवर टेन साइन एक्स माइनस नाइन ओवर टेन कॉस एक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया वाई। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, इसका वाई सी हमारे पास आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनेंगे माइनस वन बनते हैं, दो फैक्टर इसके बनते हैं माइनस वन माइनस वन। अब वाई पी हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और साथ में ई भी दे दिया गया है, ठीक हो गया। तो हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, अगर हम ई तो हमने लास्ट में वैसे लिखना होता है, कॉस को भी छोड़े, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाती है कॉन्स्टेंट हम, तो कॉन्स्टेंट हम को हम क्या लिखते हैं एक्स के लिखते हैं और साथ में ए लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स साथ में वैसे लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो साथ में हमारे पास क्या आता है कॉस एक्स, अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमें दोनों लिखने, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखना होता है, ठीक हो गया। हम ए यहाँ से कट करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यानी कि दोनों के साथ एक एक कॉन्स्टेंट लगा दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम पुट करें एक्स इक्वल ज़ीरो, एक्स इक्वल ज़ीरो अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये वन बन जाएगा, ई की पावर एक्स में आ जाएगा, कॉस और साइन साथ आ जाएंगे ई की पावर एक्स में, लेकिन यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स मतलब उस जैसा नहीं बनेगा, तो हम इसे एक्स इक्वल ज़ीरो पुट कर सकते, सॉरी के इक्वल ज़ीरो पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास वाई पी आ जाएगा इक्वल ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक हो गया। जो यहाँ पे एंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे तो वही यहाँ पे हमने एंगल लिखना होता है, ठीक हो गया। अब इसके हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए, टू डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा ई की पावर एक्स, ये एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन का आ जाएगा कॉस एक्स प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे इसे एज इट इज लिखते हैं कि इसका डेरिवेटिव एक्स और साथ में आ गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये इधर लिखने से बेहतर हम इधर ही लिखते हैं, ठीक हो गया। अब इसके हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे इसे एज इट इज लिखेंगे, इसका आ जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक हो गया। प्लस अब इसका लिखना है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया और ये एज इट इज लिख दिया, प्लस अब इसे एज इट इज लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक हो गया। माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये दोनों सेम से मैं इसे हम लिख सकते हैं, टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखें यहाँ पे ए कॉस एक्स, यहाँ पे भी ए कॉस एक्स, बी कॉस एक्स, या बी कॉस, यहाँ माइनस में आ रही है प्लस में आ रहे तो ये कटिंग हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो ये कटिंग हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसे वन में पुट करेंगे, पुट इन वन, सेकंड डेरिवेटिव मतलब लिखेंगे टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को टू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसे टू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ई की आप कॉमन ले लेते हैं, साथ में टू भी बाहर कॉमन लेके लिख लेते हैं, अंदर आ जाएगा ए साइन एक्स, अंदर आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, हमने इधर लिखा है
टू ई की पावर एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स प्लस ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक हो गया। प्लस वाई, वाई हमारे पास क्या था, ई की पावर एक्स ए कोज एक्स प्लस बी कोज एक्स, ई की पावर एक्स ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल ई की पावर एक्स कोज एक्स, ठीक हो गया। ये अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर एक्स सब में है वो कॉमन ले लेते, टू को इससे मल्टीप्लाई, टू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टू ए साइन एक्स टू बी कोज एक्स माइनस टू ए साइन एक्स प्लस टू बी कोज एक्स प्लस टू ए कोज एक्स प्लस टू बी साइन एक्स ए कोज एक्स प्लस बी साइन एक्स और ई की पावर एक्स वैसे आ गया इक्वल ई की पावर एक्स कोज एक्स, ठीक हो गया। ए साइन एक्स, ए साइन एक्स और ए साइन एक्स कोई भी नहीं है, तो ये जगह टू टू फोर माइनस फोर ए साइन एक्स, ठीक हो गया। ए कोज एक्स, ए कोज एक्स, ए कोज एक्स टू और वन थ्री। अब बी साइन एक्स, बी साइन एक्स, बी साइन एक्स टू और वन थ्री बी साइन एक्स। अब बी कोज एक्स, एक ये बी कोज एक्स है और एक ये टू और टू फोर प्लस फोर बी कोज एक्स इक्वल आ गया ई की पावर एक्स कोज एक्स। कंपेयर करेंगे कोज एक्स साइन एक्स, तो इसके कोफिशियन लेंगे, कोज एक्स का कोफिशियन हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री है प्लस फोर बी इक्वल, इनके साथ ई की पावर एक्स भी था ना, इक्वल वन। अब साइन एक्स का माइनस फोर ए प्लस थ्री बी इक्वल ज़ीरो, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास थ्री बी इक्वल आ गया फोर ए के, मतलब बी इक्वल आ गया फोर ए ओवर थ्री के, पुट बी इक्वल फोर ए ओवर थ्री, थ्री ए प्लस फोर बी की जगह क्या लिखेंगे फोर ए ओवर थ्री इक्वल वन, ये आ जाएगा थ्री ए प्लस सिक्सटीन ए ओवर थ्री इक्वल वन, नाइन ए प्लस सिक्सटीन ए ओवर थ्री इक्वल वन, थ्री उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्सटीन में नाइन ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव ए इक्वल थ्री और ए इक्वल आ गया थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव, पुट ए इक्वल थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव इसमें पुट करेंगे, बी इक्वल फोर ओवर थ्री, थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव ये कट गया तो बी इक्वल आ गया फोर ओवर ट्वेंटी फाइव, पुट इन इक्वेशन वन, नहीं इक्वेशन टू, वन तो थी टू ये वाई पी में, तो वाई पी हमारे पास क्या आ गया ई की पावर एक्स ए की जगह के लिखेंगे टू थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव कोज एक्स प्लस बी की जगह लेके लिखना फोर ओवर ट्वेंटी फाइव साइन एक्स, ठीक हो गया। अब वाई इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी हमारे पास ये चीज़ थी, ये लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस इन दोनों में से वन ओवर ट्वेंटी फाइव कॉमन आ रहा है, हम लिखेंगे ई की पावर एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव, अंदर रह गया थ्री कोज एक्स प्लस फोर साइन एक्स, ये हमारे पास वाई आ गया, ठीक हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है तो इसका वाई सी हमारे पास अगर रूट इसके आएंगे प्लस माइनस योटा आएगा तो वाई सी हमारे पास बन जाएगा सी वन कॉज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक हो गया। अब हम इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ लिखें, सवाल को ही लिख रहे हैं, ट्वेल्व कॉज स्क्वायर
एक्स। अब कॉस एक्स साइन एक्स के तो हमारे पास ये कॉस स्क्वेयर एक्स में नहीं दिया, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं 12 इंटू 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, इस तरह से इसे लिख सकते हैं ना। ये 2 6 से 12 हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 6 कॉस 2x वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई, ठीक हो गया। अब ये दो वैल्यूज इसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे y डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल 6, ये इक्वेशन a बन गई। अब हम लिखेंगे y डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल 6 cos 2x, ये इक्वेशन b बन गई, ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 के लिए a के लिए सॉल्व करें फॉर इक्वेशन a, फॉर इक्वेशन a के लिए y भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म आए तो हम लिखते थे a e की पावर a एक्स की पावर के, ठीक होगा। के की जगह जीरो लिखिए तो हमारे पास आ जाएगा ए एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दी तो हम ये लिख सकते हैं पुट के इक्वल जीरो, तो वाई पी हमारे पास क्या आ जाएगा ए, ठीक हो गया। वाई पी का सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जीरो, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे जीरो, जीरो आ गया, तो हम ए में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए, ठीक हो गया। इक्वेशन ए में पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव जीरो प्लस वाई जो था वो क्या है, वाई तो था वो ए था इक्वल सिक्स, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई सिक्स, इसे पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास आ जाएगा वाई पी इक्वल ए की जगह सिक्स एक्स की पावर, ये वन नहीं सॉरी ये वन के पुट करने के बाद जो बनती है सिक्स, ये हमारे पास आ गया वाई पी। अब हम इक्वेशन बी के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर इक्वेशन बी के लिए वाई पी कैसा होगा, कॉस दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए तो यूज़ हो गया, बी साइन एंगल में इसके क्या 2x, तो हम लिखेंगे बी साइन 2x प्लस सी साइन टू कॉस सॉरी एक साइन और एक कॉस आएगा कॉस 2x और साथ में x की पावर k आ जाएगी। अगर हम k की जगह जीरो लें तो b साइन 2x कॉस 2x आ जाएगा, वो पहले भी दिया हुआ है, तो हम k की जगह लेंगे 1, पुट k इक्वल 1, तो यहाँ रह जाएगा x, तो उसे अंदर ही मल्टीप्लाई हम करके लिख लेते हैं, वाई पी इक्वल आ जाएगा बी एक्स साइन 2x प्लस सी एक्स कॉस 2x, ठीक हो गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे बी एक्स का डेरिवेटिव ले लिया तो साइन 2x प्लस 2bx cos 2x, इसका आएगा प्लस c cos 2x माइनस 2cx sin 2x, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका आएगा हमारे पास b 2b cos 2x, इसका आएगा 2 2 4 bx माइनस में आएगा साइन 2x, और जब x की कोडिंग करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 2b cos 2x, इसका आएगा हमारे पास माइनस 2c sin 2x, और इसका हमारे पास आएगा माइनस 2c sin 2x और माइनस 4cx cos 2x, ठीक हो गया। पुट इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी में बोल रही हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई लिखना है, सेकेंड डेरिवेटिव ये है हमारे पास, बी कॉस 2x और है हमारे पास, बी कॉस 2x ये है, बस यही है बी कॉस 2x वाली दो ही वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4b cos 2x, 4b cos 2x, ठीक हो गया। अब बी एक्स साइन 2x और नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस 4bx साइन 2x, माइनस 4bx साइन 2x, ठीक हो गया। अब c साइन 2x दोनों माइनस में है, माइनस 4c साइन 2x, माइनस 4c साइन 2x, माइनस 4c x cos 2x, माइनस 4cx cos 2x, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव लिख लिया, बी इक्वेशन ये थी। अब y फिर इक्वल 6 cos 2x, y इक्वल ये था
प्लस बी एक्स साइन 2x प्लस सी एक्स कॉस 2x इक्वल 6 कॉस 2x। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कॉस एक्स साइन एक्स, पहले कॉस एक्स को कंपेयर करते हैं, कॉस 2x, एंगल 2x है ना, तो 2x लिखेंगे, कॉस 2x हमारे पास यहाँ है 4b, कॉस 2x ये x के साथ कॉस 2x है, ये भी x के साथ है, कॉस 2x इक्वल 6, तो b आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब साइन 2x लेते हैं, साइन 2x लेकिन इसके साथ x है, ये साइन 2x 4c और साइन 2x लेकिन इसके साथ x है, इधर कुछ भी नहीं इक्वल 0, तो c इक्वल आ गया 0। हमें इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी, सॉरी इधर ये जो इक्वेशन 2 बनाई थी, c और b की चाहिए थी, ये वैल्यूज आ गई हैं और किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, b की जगह 3/2 और c की जगह 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब yp इक्वल आ जाएगा 3/2 x sin 2x, yp इक्वल 3/2 x sin 2x, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट की है, तो yp हमारे पास क्या आएगा, एक ये yp था और एक ये yp था, दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 3/2 x sin 2x, तो y क्या आता है, yc प्लस yp, yc हमारे पास था ये वाली वैल्यू, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस yp, ये वाली वैल्यू 6 प्लस 3/2 x sin 2x। यहाँ पे हमने k इक्वल 1 लिया था, k इक्वल 0 नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा, लेकिन मैंने एक चीज़ को गौर नहीं किया, यहाँ पे जो है इसमें साइन और कॉस 2x नहीं है, एंगल इसमें x है, तो सेम नहीं होगा, हम यहाँ पे k इक्वल 0 ही लेंगे, तो यहाँ पे ये x जो है वो नहीं है, इसका डेरिवेटिव लिए 2 sin x आ गया, सॉरी इसका डेरिवेटिव लिया हमारे पास आ गया 2b cos x, इसमें साइन नहीं आएगा और ये वाली टर्म नहीं होगी, इसमें ये वाली टर्म जो है वो नहीं होगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आ जाएगा -2c sin x नहीं आएगा, ठीक हो गया, ये दोनों वैल्यूज आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आएगा -4b sin x, -4b sin 2x ये नहीं आएगा, ठीक हो गया, ये टर्म कैंसिल होगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आएगा -4c cos 2x, -4c cos 2x, ये एक्स साथ में नहीं आएगा, ये वाली टर्म भी नहीं है, ये वाली टर्म भी नहीं है, ये वाली टर्म भी नहीं, ये टर्म है और ये टर्म है, अब इसे जब हम पुट करेंगे बी के अंदर, सेकंड डेरिवेटिव वो आएगा -4b sin 2x, -4b sin 2x, ये x नहीं आएगा, ठीक हो गया, और दूसरा आएगा -4c cos 2x, -4c cos 2x, ये दोनों आ गई, फिर उसके बाद y हमारे पास है b sin 2x प्लस c cos 2x, b sin 2x c cos 2x, ये x इसके साथ नहीं है और ये वाली दो टर्म्स भी नहीं है, ठीक हो गया, अब कंपेयरिंग करें cos 2x और sin 2x की, cos 2x -4c और cos 2x ये है प्लस c, ये आ जाएगा इक्वल 6 है, -3c इक्वल 6, -3c इक्वल 6, तो c इक्वल आ जाएगा -2, ठीक हो गया, अब यहाँ से जब करें बी वाली को, तो -4b और बी, -4b प्लस बी इक्वल 0, तो वो 0 ही हो जाना है, बी इक्वल आ गया 0 के, सी की जगह आ जाएगा -2, इसमें बी में पुट कर, इसमें सॉरी कहाँ गया वाई पी, 2 में पुट करेंगे, बी की जगह 0 हो गया, सी की जगह आ जाएगा -2, तो -2 cos 2x, ये हमारे पास आएगा -2 cos 2x, 6 यहाँ भी आ जाएगा -2 cos 2x, ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 6 है,
इसका वाई सी हमारे पास आ जाएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स, मतलब इसके जो रूट्स टू और वन आ रहे थे इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया इसको। ये दो तरह की, इसमें सिर्फ अल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और ये जो है इसमें एक्स भी आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है, तो इसे हम दो तरह से लिखेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। हम लिखेंगे वाई डबल डेरीवेटिव माइनस थ्री वाई सिंगल डेरीवेटिव प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन ए कह देंगे, और इक्वेशन बी के लिए इसे लेंगे सेकेंड डेरीवेटिव माइनस थ्री वाई फर्स्ट डेरीवेटिव प्लस वाई टू वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, इसे बी कह देंगे। फोर इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के लिए वाई पी जो होगा हमारा किस तरह का होगा, इसमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, हम लिखेंगे एक्स की पावर ए, सॉरी अलजेब्रिक दिया एक्स की पावर के ए, एक्स की पावर हम क्या लिखेंगे टू है तो हम टू से स्टार्ट करें, एक्स की पावर टू प्लस बी एक्स की पावर वन प्लस सी एक्स की पावर ज़ीरो, मतलब वाई पी। अब के क्या पुट करना है, पुट के इक्वल, अगर हम के पुट करते हैं ज़ीरो तो ये हो जाता है ज़ीरो ए एक्स की और बी एक्स प्लस सी, इस तरह का बन जाता है, मतलब ये तो एक्सपोनेंशियल में है, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल मतलब पुट कर सकते हैं, तो वाई पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो पावर ज़ीरो बन के वन हो गया, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे इक्वेशन वन कह दें, ठीक हो गया। इक्वेशन टू, इक्वेशन वन आ गया, वाई आ गया, इसके हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए, टू डेरिवेटिव तक चाहिए, सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका टू ए एक्स प्लस बी, और सेकंड डेरिवेटिव इसका आएगा टू ए, ठीक हो गया। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे टू ए आ गया माइनस थ्री फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस थ्री टू द सिक्स ए एक्स माइनस थ्री बी प्लस टू वाई, इसे टू से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक होगा। कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स एक्स की पावर ज़ीरो इनके कोफिशेंट्स को, एक्स स्क्वायर कोफिशेंट टू है इक्वल टू, तो ए इक्वल आ गया वन, ठीक हो गया। अब एक्स का कोफिशेंट लें, माइनस सिक्स है प्लस टू बी इक्वल ज़ीरो, माइनस सिक्स ए की जगह वन प्लस टू बी इक्वल ज़ीरो, माइनस सिक्स जाके प्लस सिक्स हो जाएगा, टू बी इक्वल सिक्स तो बी इक्वल आ जाएगा थ्री के, ठीक हो गया। अब एक्स की पावर ज़ीरो मतलब कॉन्स्टेंट लेंगे टू ए थ्री बी माइनस प्लस टू सी इक्वल ज़ीरो, टू ए की वैल्यू वन थी माइनस थ्री बी की वैल्यू थ्री थी प्लस टू सी इक्वल ज़ीरो, टू सी इक्वल थ्री, थ्री से नाइन माइनस के इधर जाके प्लस का नाइन होगा, टू वन ज़ा टू प्लस का इधर जाके माइनस का टू हो गया, टू सी इक्वल सेवन और सी इक्वल आ गया सेवन ओवर टू। पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन जो है हमारे पास ये वाली, इसमें पुट करेंगे तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा ए है, ए की वैल्यू हमारी वन आई थी तो एक्स के रह जाएगा, बी की वैल्यू थ्री आई है तो थ्री एक्स, सी की वैल्यू सेवन ओवर टू आई है तो हम लिखेंगे प्लस सेवन ओवर टू, ये वाई पी आ गया, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इक्वेशन बी के लिए सॉल्व, इसके लिए फॉर इक्वेशन बी, ठीक हो गया। तो वाई पी कैसा होगा हमारे के पास, बी इक्वेशन में क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ है, मतलब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, साथ में ई की पावर एक्स भी लिखेंगे, एक्स की पावर वन है तो हम लिखेंगे एक्स के ए एक्स की पावर वन प्लस बी एक्स की पावर ज़ीरो, साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स दिया हुआ तो हमने ई की पावर एक्स लिख लिया, ठीक हो गया। पुट के इक्वल, अगर हम ज़ीरो करते हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाला पहले भी मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे। अगर हम करें वन तो ये आ जाएगा, साथ में एक्स भी वो मौजूद नहीं है तो हम इसे लिखेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या वन लिखेंगे पुट, तो वाई भी आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव तक लेना है इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका आ जाएगा टू ए एक्स ई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ई एक्स, बी ई की पावर एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर एक्स। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा टू ए ई की पावर एक्स प्लस टू ए एक्स ई की पावर एक्स, इसका लेंगे प्लस
टू ए एक्स ई की पावर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसका आ जाएगा प्लस बी ई की पावर एक्स प्लस इसका आएगा बी ई की पावर एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर एक्स, मतलब ये आ जाएगा ए ई की पावर एक्स वाला एक ये है, एक ही है ए ई की पावर एक्स, टू ए ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स ए, ए ई की पावर एक्स ए दो हैं तो टू टू फोर, फोर ए एक्स ई की पावर एक्स ये भी एक ही है प्लस ए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये हो जाएंगे टू बी ई की पावर एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव ठीक हो गया। इसे पुट किस में करेंगे हम, बी में, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव माइनस थ्री फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ये वाला है, ये हम लिखेंगे टू ए ई की पावर एक्स प्लस फोर ए एक्स ई की पावर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस टू बी ई की पावर एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर एक्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके लिखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये से माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स ए एक्स ई की पावर एक्स माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस थ्री बी ई की पावर एक्स माइनस थ्री बी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, वाई को टू से मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, वाई हमारे पास ये से टू से मल्टीप्लाई करके लिखना है प्लस टू ए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस टू बी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, टू एक्स ई की पावर एक्स लिख लिया। अब हमने कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, एक्स की पावर जीरो ई की पावर एक्स को कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ये हमारे पास है ए आ गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ये थ्री ए माइनस थ्री ए प्लस टू ए इक्वल ज़ीरो, टू और वन थ्री ये मान कटिंग हो गया, ज़ीरो इक्वल ज़ीरो आ रहा है ठीक हो गया। अब एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स फोर ए प्लस बी माइनस सिक्स ए माइनस थ्री बी प्लस टू बी इक्वल टू, ठीक हो गया। फोर में से सिक्स माइनस किए तो हमारे पास आ गया माइनस टू ए, ये थ्री ये कटिंग हो गया इक्वल टू, तो ए इक्वल आ गया माइनस वन, ठीक हो गया। अब कांस्टेंट वाली यानी कि ई की पावर एक्स के साथ कांस्टेंट जो वैल्यू लिखी हो कांस्टेंट हम टू ए टू बी माइनस थ्री बी इक्वल ज़ीरो, ठीक हो गया। टू ए की जगह माइनस वन, ये आ गया माइनस बी इक्वल ज़ीरो, ये उधर जाके प्लस माइनस टू इक्वल प्लस बी, ठीक हो गया। पुट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में हम इसे पुट कर देंगे, इक्वेशन टू ये वाली ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने ए और ए बी सी तो पहले ले लिए थे ना, चलिए कुछ नहीं होता पता तो चल ही जा रहा था, इसमें पुट कर देते हैं वाई पी। आप लोग जब इसे सॉल्व करें तो ए बी सी कॉन्स्टेंट पहले ले चुके हैं, अब यहाँ डी और ई आप लोगों ने लेना है, ठीक हो गया। सॉरी इसमें पुट करना है, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस वन, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और बी की जगह माइनस टू आया है माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स, माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। इसमें से एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ गया एक्स प्लस टू, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया वाई पी, अब दो वाई पी आ गए, वाई पी इक्वल क्या आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे, एक ये वाला वाई पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन ओवर टू
माइनस एक्स ई की पावर एक्स एक्स प्लस टू, ठीक हो गया। तो y इक्वल होगा वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी हमारे पास था ये वाली वैल्यू, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस, अब ये सारा वाई पी लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन ओवर टू माइनस एक्स ई की पावर एक्स इन टू एक्स प्लस टू, ये हमारे पास वाई आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे सिक्स क्वेश्चन हो गए हैं, आगे सेवन से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।